नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। भूमि सरकारी हो या भूमिधारी, भूमाफियाओं की पैनी नजर। रायबरेली में अवैध भूमि कब्जा करने का बढ़ रहा ग्राफ। भूमाफियाओं को नहीं रहा प्रशासन का खौफ, अवैध भूमि कब्जा कर अप्रिय घटनाओं को देते हैं अंजाम। रायबरेली में भूमि के लोभियों का रायबरेली जनपद में इस समय तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चाहे फिर पड़ोसी की भूमिधारी हो या सरकारी भूमि हो, अवैध कब्जे से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वह दबंगई के बल पर या पैसों के बल पर अवैध भूमि कब्जा कर लेते हैं, फिर ना तो राजस्व विभाग के आला कमान अधिकारी संज्ञान में लेते हैं और ना ही पुलिस विभाग जनपद का। इस समय आलम यह है कि गरीब व धनबल से कमजोर लोगों को अपनी भूमि बचाना मुश्किल पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला खीरो थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजीतपुर मजरे निहस्था थाना खीरो का है। पीड़िता प्यारा पत्नी सूरज कुमार की भूमिका पर विपक्षी पड़ोसी कमलेंद्र पुत्र राम सजीवन ने यह कहकर छप्पर रखा था कि कुछ दिन के लिए रख ले, उसके बाद छप्पर हटा लेंगे। लेकिन विपक्षी छप्पर हटाना उचित नहीं समझा और छप्पर हटाने को लेकर जब पीड़ित द्वारा कहा जाता है तो विपक्षी धन बल के साथ पीड़ित व पीड़ित के परिवार को गाली गलौज कर मारपीट व जान से मारने की आमदा हो जाते हैं। विपक्षी को जमीन का लालच आ गया है। पीड़ित ने खीरो थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि छप्पर हटाने को लेकर विपक्षी कमलेंद्र आए दिन गाली गलौज कर मारपीट की नौबत पर उतर आता है। इसी रंजिशन कल जब हमारे घर में महिलाएं अकेली थी तभी विपक्षियों ने मौका पाकर गाली गलौज करने लगी और जान से मारने की नीयत से दौड़ा लिए। अगर वहां से जान बचाकर भाग ना जाते तो जान से मार देते। क्या नाम है? प्यारा। कहां का रहने लियो? सुरजीपुर नहत्था थाना खीरो। क्या मामला था? मैटर ऐसा है कि हमारा छपरा रखा है, मैंने उठाया किया तो इन्हें हमको मारी का धमकी दिया सबको, तीन लोग को, लड़कों बच्चों को, तीन लोग बीटी महतारी को। कौन लोग थे? या पड़ोसी। क्या नाम है उन लोग को? कमरेंद्र। और लोग? और सजीवन और मारवी श्रीमती। अच्छा, आज थाने गए थे, क्या हुआ था? एप्लीकेशन गया। तो क्या बोले साहब ने? एक काल के बोले मैं तक था। कार्रवाई होगी? हाँ। और नहीं होगी तो? कार्रवाई करी जाएगी जब में होगी। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।